digital arrest. Massive revelation coming in on the digital arrest expose. Foreign links of scammers that now emerges. First images of Cambodia arrest scam factory that we have right here on India Today. Scam money laundered in Cambodia call center. Indians roped in by private scamsters. Scamsters hire Indians with dubious job offers. India Today exposes this digital fraud mafia. And that's the first image that we get there. A complete call center that's functional, Cambodia scam center, where you're looking at people working round the clock like a legit business, where you have people with computers all scamming fellow Indians seated in Cambodia. It seems like a fairly positive environment there, at least. Not an image of cyber slavery. At least this video does not project that. Let me quickly cut across to Jitendra Bahadur joining us on the phone line for more on that. Our correspondent, Jitendra ji, यहाँ पर जो video है Cambodia scam center से आया है. यहाँ पर लोग बड़े खुश दिख रहे हैं, जैसे fraud कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के. Call center की तरह एक पूरा office setup वहाँ पर लगा हुआ है. इतने सारे लोग जो बैठ के वहाँ पर काम सिर्फ fraud कर रहे हैं, cheat कर रहे हैं लोगों को इंडिया में. बिल्कुल, ये एक वीडियो का खुलासा हुआ है जिस जो I4C विंग के जरिए हमें मिला है. दरअसल एक विक्टिम जिसको कि कंबोडिया से वापस भारत लाया गया था, उसके मोबाइल से ये सारे वीडियोस मिले हैं I4C विंग को. उसके बाद जो है जो जानकारी मिल रही उसके मुताबिक वहां पर लोगों को रोक करके उनसे डिजिटल अरेस्ट कराया जाता है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अब तक 10 महीनों में इस साल की अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा करोड़ रुपए का लूट डिजिटल अरेस्ट के जरिए इनके जो स्कैमर्स हैं उनके जरिए किया गया. और मेनली ये म्यांमार कंबोडिया के साथ साथ वियतनाम जो ये तमाम लोकेशंस हैं यहाँ पर इस तरीके से पूरा कॉल सेंटर्स के जरिए साइबर फ्रॉड किया जा रहा है. इसमें सिर्फ डिजिटल अरेस्ट का ही तरीका नहीं है. जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर जाते हैं उनको बाकायदे फेक पुलिस ऑफिसर्स को वर्दी दी जाती है, उनके साथ साथ उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है और इस तरीके से उनको पूरा तैयार किया जाता है ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स से जुड़े हुए ऑफिसर्स की तरह. और वहां से वो लोग भारत में डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, जिसमें ये भी आंकड़ा सामने आया है कि हर दिन जो है 6 करोड़ रुपए जो है डिजिटल अरेस्ट में भारत के लोगों का जा रहा है इसमें. और स्कैमर्स धड़ल्ले से इसको कंबोडिया में जो चाइनीज कैसीनो पुराने थे उनको बाकायदे कॉल सेंटर्स में तब्दील करके इस तरीके से वहां पर से डिजिटल अरेस्ट का पूरा स्कैम चलाया जा रहा है, जिसको कि लेकर के MHA I4C विंग लगातार मॉनिटर कर रहा है और इस पर लोगों को जागरूक भी कर रहा है कि जिसके साथ डिजिटल अरेस्ट या फिर साइबर फ्रॉड होता है 1930 पर तुरंत कॉल करें, जिससे कि उसको सहायता या फिर हेल्प दी जा सके. तो इस तरीके से लगातार कोशिश भारत सरकार कर रहा है, लेकिन कंबोडिया से सबसे ज्यादा इस वक्त डिजिटल अरेस्ट के स्कैम्स हो रहे हैं, जिसको कि MHA I4C विंग की तरफ से उजागर किया गया है. ये यहाँ पर जो वीडियो आया है ऐसा दिख रहा है कि ये पूरा एक नेटवर्क है कंबोडिया में, शायद वहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व भी हो. हम हैरान नहीं, ये बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट वोंट बी सरप्राइजिंग इफ एट ऑल देयर आर एक्चुअल पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट हु आर एडिंग इन दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन. इफ इट्स क्रोर्स ऑफ रुपीज दैट्स बीन स्टोलन फ्रॉम द इंडियन मार्केट, डू यू बिलीव जितेंद्र जी के इनके सरकार के लोग भी शायद शामिल हो सकते हैं इसमें? देखिए, कंबोडिया में जो कायदे ये हब बने हुए हैं जहां से स्कैम्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहां की गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये सारे जो हब्स हैं जो पहले ओल्ड चाइनीज कैसीनोज थे जिसके ओनर चाइनीज लोग हैं, उनको बाकायदे यहाँ पर जगह दी गई थी और फिर वो लोग ने इसको बाकायदे कॉल सेंटर्स में तब्दील करके
यहाँ से स्कैम चलाया जा रहा है और इसकी जानकारी वहाँ की सरकार को जरूर होगी। भारत सरकार की तरफ से समय समय पर इस बात को लेकर के उनको कहा जाता रहा है कि जो लोग साइबर स्लेवरी के तौर पर उनको उनके पासपोर्ट छीने जा रहे हैं वहाँ पर उनसे फिर जबरदस्ती डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम और साइबर फ्रॉड करवाए जा रहे हैं। ऐसे में ये कॉल सेंटर्स पर एक्शन होने चाहिए। वहाँ की पुलिस एक्शन एक दो बार किया है लेकिन जिस तरीके से इन तमाम इलाकों में कंबोडिया के इस तरीके का स्कैम हो रहा है और भारत के लोग ठगे जा रहे हैं उसमें गृह मंत्रालय का I4C विंग काफी इस बात को लेकर के कंसर्न है और लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर के मन की बात में उन्होंने लोगों को जागरूक किया और बताया कि इस स्कैम से बचने के लिए किस तरीके से कदम बढ़ाना है। लेकिन जो वीडियोज इस वक्त सामने आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि डिजिटल अरेस्ट का पूरा एक बाकायदे वहां पर सिस्टम चलता है और वो लोग कंबोडिया से भारत में जो है फेक आईडीज के जरिए डिजिटल अरेस्ट करते हैं और लोगों से पैसा लगातार उनकी तरफ से वसूला जा रहा है। जी जितेंद्र जी, यहाँ पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है ये सरकार क्या कर रही है, अब कोई एक्शन ले रही है? वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन या डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन हुए हैं इस बारे में? बिल्कुल एक्शन जरूर होंगे और इसको लेकर के लगातार इससे पहले भी कम्युनिकेशन होता रहा है क्योंकि साइबर स्लेवरी को लेकर के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि चाहे वो आंध्र प्रदेश हो वहां से बहुत सारे जो आईटी के नाम पर नौकरी देने के लिए उनको वहां से भेजा गया। एक रिपोर्ट हाल ही में वाइजैक से भी आई थी और जहां से पता चला था कि किस तरीके से साइबर स्लेवरी के तौर पर पूरा एजेंट काम कर रहा है कंबोडिया में और आंध्र प्रदेश से उनको कंबोडिया ले जाया जाता है और वहां पर फिर उनसे जबरदस्ती डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड जैसे काम कराए जा रहे हैं। तो इस तरीके के वीडियोज अब I4C विंग के पास पहुंच रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो वापस विक्टिम्स वहां से आए हैं उनके मोबाइल फोन से ऐसे वहां के कॉल सेंटर्स के वीडियो मिले हैं जिसके आधार पर लगातार एनालिसिस किया जा रहा है और जानकारी ये भी मिल रही है कि इस पर जल्द ही एक्शन भारत सरकार की तरफ से भी किया जाएगा। जी जितेंद्र, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस विद दोस डिटेल्स।